नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से यह बताने के लिए कहा है कि 2017 के बाद से राज्य में हुई 183 एनकाउंटर की जांच कहां तक पहुंची है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इन सभी मामलों के जांच की रिपोर्ट मांगी है। देश में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। प्रस्तावित कानूनों में पहचान छिपाकर शादी करने या फिर यौन संबंध बनाने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है। वही जो लोग अपनी पहचान छिपाकर शादी कर लेते हैं, अब वे कानून के घेरे में होंगे। भारत ने पाकिस्तान और चीन मोर्चों के खतरों से निपटने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उन्नत मिग-29 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। मिग-29 स्क्वाड्रन पारंपरिक रूप से पाकिस्तान से खतरे की देखभाल के लिए जिम्मेदार रहा है। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। घर वालों ने इस मामले में एक परिचित महिला पर शक जताया है। घटना के समय बच्चा घर में अकेला था और उसके माता पिता ऑफिस में थे। जब माँ को काफी समय तक बच्चा नहीं मिला तो माँ ने और लोगों को सूचना दी। काफी समय बाद 11 साल का मासूम कमरे के बेड बॉक्स में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया। खैर, इंटर कॉलेज में अमृत महोत्सव के तहत बालिकाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक मनोहर राव नेवालकर ने हरी झंडी दिखाकर किया। छात्राओं ने तिरंगा यात्रा लेकर भारत माता के जयकार लगाते हुए एकता अखंडता का संदेश दिया। अज्ञात कारणों के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रांसफार्मर में आग की लपटों को देख लोग भयभीत हुए। बता दें कि ट्रांसफार्मर में आग लगने से क्षेत्र में अंधेरा और हाहाकार मचा हुआ है। घर से बुआ के घर जाने के लिए निकली बेटी लापता हो गई। पीड़ित माँ ने थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद अब पीड़ित माँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। हमारी बिटिया गायब हो गई है और हम गए रहन का बड़े साहेब तिरा तो हुआ कुछ हमका बताई नहीं तो हम जेबा तो होगी मोदी त्रिका जी कोई सुनवात नहीं है। हमारी बेटी नहीं थाने गई थी, थाने गए तो हुआ कुछ वही मैडम ने कही कहा हम ढूंढ लेंगे खुद तुम लोग तले ढूंढो। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर मार्च निकाला। मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। बता दें कि कई मांगों को लेकर किसानों ने ये रैली निकाली है। जाम लगाना हमारा मकसद नहीं था। आज पूरे भारत में जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर एक ट्रैक्टर आंदोलन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा किसान विरोधी नीतियां एवं घोषणा पत्रों में इन्होंने फर्जी घोषणा करके किसानों को गुमराह करके वोट लिया। आज इनके घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे इन्होंने 2022 में कहा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, आज किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनसे बिजली बिल वसूला जा रहा है। किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? उद्देश्य तो हमारा ये है कि भारत सरकार का जो कानून बनाए कि 10 वर्ष में ट्रैक्टर को खत्म किया जाएगा, उसके खिलाफ रैली है। प्लस जो उत्तर प्रदेश में गौ छुट्टा जानवर इनको गौशाला में तत्काल अपनी गौशाला के अंदर उनका इसके लिए और बड़ा। महोबा के तहसील में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों के चल रहे धरने को अब अधिवक्ताओं का समर्थन मिल चुका है। जिला अधिवक्ता धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की मांगों को जायज बताते हुए मांगों को पूरा किए जाने की मांग शासन और प्रशासन से कर रहे हैं। अरे हमारे अध्यक्ष जो समिति हमारी जिला की अधिवक्ता संघ है, वो सदैव साथ देगा, साथ रहेगा, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी कंधे से कंधे मिलाकर हम संघर्ष में सहयोग करेंगे और अनशन की जरूरत पड़ी भूख हड़ताल करने की आवश्यकता पड़ी हमारा संघ समर्थन करेगा पूरा। देखिए जो इनकी मांगे हैं 5 सूत्रीय मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं, क्योंकि हमारा जो अधिवक्ता समाज है उसमें से 99% अधिवक्ता जो है किसान परिवार से हैं, या तो स्वयं किसान है या किसानों के बेटे हैं। तो और जो इनकी मांग है वो पूरे तरीके से जो है सरकार को माननी चाहिए, और ये गैर राजनीतिक जो है संगठन है, इनका राजनीतिक संगठन भी नहीं है, और शायद इसी कारण से जिले का प्रशासन जो है इनकी मांगों पर जो है ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।